एहतसाम साहब, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज किया गया कि भाई आप ये स्टॉप करवाएं सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से, तो इसका मतलब है कि जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया कि भाई हम तो मफलूज हैं या हमारे हाथों में गेम नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हमने देखें 7 अक्टूबर को ये हमला इसराइल ने किया था, उसके बाद से 1 साल 1 महीना हो गया और मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इस दौरान कोई अरब लीग की कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई OIC के फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज भी आप देख लें, 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, आप जाहिर शाह भी बता रहे हैं कि जी आप कंडेमनेशन कर दी आपने, और दूसरा है कि जी फौरी जंग बंद की जाए, और तीसरी बात जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी इसराइल जो को जो ममालिक हथियार दे रहे हैं वो ना दिया जाए। अभी आप ये बात कर रहे हैं फिजिकली बरतानिया और अमेरिका के जहाज जो है ना वो फाइटर जहाज वहाँ पे जाके हमले कर रहे हैं, कहाँ पे हूसियों पे हमला कर रहे हैं, लबनानियों पे, शामियों पे हमले कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल साथ उनके मिले हैं। देखिए हम ना, सवाल इस वक्त ये है कि मुझे जिस बात का आज दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, ये जो करारदाद, अब मैं तो ये कहूँगा, चैलेंज करूँगा कि अनपढ़ लोग भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्होंने किया कि जी ईरान पे हमले से उनको मना रखा जाए। और भाई इसराइल ने तो शुक्र किया है कि जो ईरान ने हमला किया था उन्होंने कहा जी बदला ले लिया, बात ख़त्म होगी। अब लोगों को ख़तरा है ये कि और वेस्ट को भी कि ईरान हमला करेगा, क्योंकि खुमेनी साहब जो सुप्रीम लीडर ने कहा हमला करेंगे, इसराइल तो कोई नहीं करेगा हमला। तो ये कहना कि जी हमले से रोका जाए, मेरा ख्याल है मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने किस बुनियाद पर बात की, जबकि इसराइल अब तो बदला लेके आ गया, वो सिर्फ कन्फाइन कर रहा अपने आप को यहाँ पे, इसलिए नहीं कर रहा कि ईरान से डरता है कि अमरीका ने मना कर दिया कि आप ये करोगे तो हमारे अहदाफ मिडिल ईस्ट में, ईरान वहाँ पर हमले करेगा, कतर से शुरू होगा, लिहाजा रोका जाए। देखिए हमारा सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद आप मुझे बताएं और कुछ नहीं कर सकते आप देखें तेल बिल को तो आप छोड़ दें, जो आपकी बाहमी तजारत है, अब जो जिन ममालिक ने रिकग्नाइज किया हुआ है, तुर्की है उसमें, इजिप्ट है, जॉर्डन है, और जिस तरह कतर भी बहुत करीब है और अरब लीग वाले भी करीब हैं, मजाल है कि एक टके का भी उन्होंने कहा होगा हम तजारती सामान बंद करते हैं आपका, नहीं किया। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। देखें अब ये जिस तरीके, आपको याद है हमने आज से कई बरस पहले एक तस्वीर छपी थी, बहुत वायरल हुई थी अफ्रीका में, कैद पे एक बच्चा जो है ना वो मर रहा था और गिद्ध खड़ा था उसके पास, इंतज़ार कर रहा था कि मरेगा तो उसको मैं खाऊंगा। अभी देखें गजा में सूरतयाल उससे बुरी पैदा हो गई है, वहाँ पे एक बच्चा नहीं है, हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे जो है ना वो कैद का शिकार हो रहे हैं, और मुसलसल आप देखें रात दिन बम्बार्टमेंट हो रही है, और मुझे बताएं यहाँ पे जून ही रहेगी। उस वक्त वो जो बच्चा था अफ्रीकी, उस वक्त थोड़ा सा ज़मीर इंटरनेशनल जागा हुआ था, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की थी, अब तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल ज़मीर को तो छोड़ें, वो तो ज़ाहिर है क्या जोगना, ये हमारे 57 ममालिक OIC ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी तक होना ही चाहिए था कि ये भी थ्रेट करते, चले आप ये भी नहीं करते तो कम अज़ कम आप एक लॉबिंग तो करें ज़ोरदार किस्म की, अमरीका में जाके सिक्योरिटी काउंसिल में जाके अपना नुकता इतना स्ट्रॉन्ग बताएं कि लोग महसूस करें कि नहीं जी ऑन द फेस ऑफ इट जो सिचुएशन है इसको रोका जाए। उसके बरक्स आलम यह है कि आप देख लें इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है ना वो कह रहा था कि जंग बंद करो, नेथन्याहू बाकी लोग कहते नहीं करेंगे, उसको चेंज कर दिया, एक नया इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर आया आमना, वो कहते हैं हम जंग बंद नहीं करेंगे। आप देखें ये तो कंप्लीट वाइप आउट करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, एब्सोल्युटली वो दिखाई दे रहा है जो उनका प्लान है, तो आप तमाशा देख रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार साहब की जानिब से कोई फायदा नहीं इस तरह के बयान। ज़ुल्फ़िकार सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।